गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन ब्लॉगर भावना मनवार। तो अभी बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं और मैं ऑफिस से वैसे काफ़ी देर पहले आ गई थी, पूजा भी कर ली है, थोड़ी देर बैठी हुई थी, कुछ बात भी की थी और मैं कुछ सामान लेने चली गई हूँ मार्केट। थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, एक ये कंडी लाई हूँ, इसकी मतलब ऑलमोस्ट ज़रूरत रहती है मुझे। मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए इस तरह से है यहाँ पर, और एक मिनट आपको दिखाती हूँ मैं। ये इस तरह से है, इसमें काफ़ी स्पेस है, तो इसमें आप जैसे कई बार मैं मतलब जैसे वृंदावन जाती हूँ या कहीं भी, तो ठाकुर जी ग्रह को ले जाने के लिए या मतलब उनका सामान वगैरह रखने के लिए। और एक लाई हूँ मैं अपने लिए, ये एक ये नहीं था मेरे पास, मतलब था मेरे पास, छोटा था। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा था मेरे पास, ये वाला था मेरे पास पहले, बट लेकिन ये मुझे थोड़ा छोटा भी लगता था और इसमें मतलब चार ही थे, तो मैंने अब इसको बना लिया है मसालेदानी मेरी व्रत की पूजा। फिलहाल मैं ये ले आई हूँ, अब मतलब इससे सही है, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हैं कभी भी आपका खाने का मन करे। तो ये है मेरी न्यू सेटिंग जो मैंने अब आमने सामने कर दी है रैंक, जो मैं कल फाइनल आपको लुक दिखा नहीं पाई थी। इससे थोड़ा सा मुझे ये भी है कि जो इस रैक में, ये टेबल के सामने वाली रैक में था, सामान वगैरह निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो अभी क्या, अभी आमने सामने हो गई है तो यहाँ पर निकालने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो बस ऐसे ही मैं कभी कभी चेंज करती रहती हूँ और इसको मैंने चेंज कर दिया है, तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, पहले वाला अच्छा था या अब वाला। तो बस अब फटाफट से चाय बना लेते हैं, फिर चाय भी पीनी है, जी भी बैठे हैं चाय के लिए कह रहे हैं, तो चाय बना लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो चलिए पहले कैमरा ट्रैपोर्ड पे सेट कर लेती हूँ और रखती हूँ चाय। आप सब बताइए आप सबका कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और अब मेरे पीछे की सेटिंग आती है कि तो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ट्रैपोर्ड रखने के लिए भी जगह हो गई है, जगह तो पहले भी थी, पहले मैं फ्रिज के ऊपर रखती थी यहाँ पर, आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी तो मैं ऑफिस गई भी लेट से थी, दर्द है यहाँ पर कंध में, देखते हैं आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी लगा। और ये मैंने लिए अपने लिए सर्दियों की चप्पल, ये मैं लाई थी शायद आई थिंक सैटरडे में, क्योंकि मैं अंदर अपने चप्पल नहीं यूज़ करती हूँ, अंदर कमरों में और बाहर बरामदे में भी, तो बस इसलिए मैं अंदर घर के लिए लाई हूँ अपने लिए। और काना के लिए लाई हूँ ये वाली, ये काना की चप्पल है, काना भी ट्यूशन गया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर रखी थी मैंने, सोचा चलिए आपको दिखाती हूँ। काना की बहुत प्यारी लग रही है वैसे, अमिजी के लिए भी लेनी थी लेकिन उस दिन उनके पाँव में आई नहीं थी तो मिल नहीं रही थी उनके लिए, तो अभी जाएंगे दोबारा तो दोबारा मैं उनके लिए लेके आऊँगी। ये चप्पल अंदर पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है, जो लोग घर में चप्पल अंदर नहीं यूज़ करते हैं उनको ये ले लेनी चाहिए अंदर कमरों के लिए। इससे क्या है कि देखिए हमें ठंड या तो सिर के रास्ते चढ़ती है या पैरों के रास्ते, तो पैरों में सॉक्स वगैरह वैसे मैं दिन भर पहन के रखती हूँ जब ऑफिस जाती हूँ, लेकिन ऑफिस से आने के बाद सॉक्स निकाल देती हूँ तो ये पहन लेती हूँ, तो इससे ना पैरों के रास्ते मतलब ठंड नहीं लगती काम करते वक्त। मेरी अच्छे से उबल गई है, बस इसमें दूध डाल देख लेती हूँ ताकि बन जाए। डालती हूँ और इस समय ठंडा हो जाता है सर्दियों में, खाना की तबियत पहले थी भी खाना की, बट लेकिन वो छुट्टी हो गई थी तो इस साल फिर मैं दूसरी लेके आई, तो बस अब अंदर चाहिए होती है तो बस ये हम अंदर कमरों में या थोड़ा सा ही जानती हूँ बना नहीं लीजिए तुमको। तो चाय हो गई है रेडी, ये मैंने अपने घर में चाय लगा ली है, आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। तो चलिए बैठते हैं और चाय पीते हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए भाई साहब को कितनी गर्मी लग रही है, कपड़े नहीं पहन रहे हैं साहब की, गर्मी हो रही है। तो खाना नहीं बनाया था, जैसा कि मेरा सुबह कास्ती का फास्ट था तो मैंने सुबह बनाई थी आलू सब्जी और चावल वगैरह, तो वही सब रखा था। तो मैंने इसलिए बस दो दो तीन रोटियां बनाई थी और बस खाना का नहीं बनाया था, तो इसलिए बस बर्तन वगैरह हो गए थे सब। तो मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करके अब मैं यहाँ पर काट रही हूँ सुबह के लिए। अमिची लाए हैं मटर, गाजर और आलू, तो वो सब मैं काट लूँगी। सब्जी तो मैं ऐसे ही रात में ही सब्जी वगैरह सब तैयार करके रख लेती हूँ सुबह के लिए खाना के लिए, ताकि सुबह में जल्दी जल्दी में सब्ज़ी काटने की ज़रूरत ना पड़े, बस फटाफट से आप उसको छोंक दो। और यहाँ पर मैं काना को बोल रही थी कि अपने स्कूल का जो भी होमवर्क है या अपनी डायरी वगैरह मुझे दिखाओ, तो बस इसी टाइम पर मैं थोड़ा सा काना का भी चेक कर लेती हूँ कि उसने ट्यूशन में क्या किया, स्कूल में क्या किया। वैसे तो वो सारा कुछ ट्यूशन में कर ही लेता है, पर फिर भी हम माँ हैं तो हमें बच्चों पे थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए कि वो स्कूल में क्या कर रहा है, ट्यूशन में क्या कर रहा है। और अभी मतलब पुरानी वाली चप्पल उसकी थी, नई दे दी थी, तो नई वाली चप्पल की पहनने की उसको आदत नहीं पड़ी, तो मैंने जैसे ही उसको बुलाया तो तुरंत नंगे पैर आ गया। मैंने उसको फिर डांटा कि आप चप्पल पहन के आओ, ठंडा लगेगा। तो फिर अब वो लेके आया है, अपनी कॉपी दिखा रहा है, और बस थोड़ा थोड़ा मैं बीच में उसको डांटती भी रहती हूँ, ताकि मतलब उसको थोड़ा सा डर रहना चाहिए, बच्चे को डर तो रहना ही चाहिए कि मतलब वो चीज़ें सीखें, क्योंकि यही एक एज है जब हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, कुछ अच्छा मतलब क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, ताकि उसको टाइम की इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो बस यहाँ पर मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठूँगी, उसका होमवर्क चेक करूँगी कि उसने क्या किया, क्या सब उसको लर्न कराऊँगी। इसी तरह मैं कानों को यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते वो कुछ बीच बीच में मैं उससे बात भी कर रही थी, तो वो सुन भी रहा था बड़े ध्यान से, और बीच बीच में अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। जैसे कुछ कुछ मुझे उससे बात करनी होती है या दिन भर का उससे पूछना होता है कि उसने क्या किया, ये सब मुझे मतलब पता होना चाहिए, तो मैं उससे बीच बीच में बातें भी करती रहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो ऑलमोस्ट अपनी ट्यूशन में अपना जो भी होमवर्क वगैरह रहता है वो सब डन ही करके आता है। तो
तो और पढ़ाई में टचवुड करना है भी मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है, अपनी क्लास में अच्छा ही करता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको धीरे धीरे कुछ चीज़ें जो हमारे कस्टम हैं, संस्कार हैं, वो सब भी उसको साथ साथ अभी, क्योंकि यही एक एज है जब हमें बच्चों को ये सब चीज़ें लर्न करानी होती हैं, तब बच्चे प्यार से समझ भी जाते हैं। तो उनके साथ जितना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो तो वो मतलब उन सब चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। तो बस यही मेरी एक कोशिश रहती है कि पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ अच्छा सीखे, कुछ संस्कार भी सीखे। तो बस यहीं पर मैं उससे वही सब बातें कर रही थी। तो चलिए गाइस, फ़िलहाल बाद में तो मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी देर तक मैं काना से बात करती रह गई और फिर उसके बाद फ़ोन की बैटरी हो गई स्विच ऑफ, तो फिर मैंने बाद में देखा। तो मैं बस यहीं पर आपसे विदा लेती हूँ, इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के आजकल बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइस कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे नाम के नीचे जो इंडियन ब्लॉगर भावना मनवाल उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है उसे ज़रूर प्रेस करें, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। और बेल आइकन भी बजा दें ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन हो मिलते रहें। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, आजकल बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ऑफिस में भी एक दो लोग बोल रहे थे कि क्या बात मैम, कमेंट्स आने बंद हो गए हैं, क्योंकि सब पढ़ते हैं, ऑफिस में भी पढ़ते हैं, घर पर भी सभी ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, देखते हैं वीडियोस। ऑफिस में भी कई लोग हैं जो कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं। तो वीडियोस कैसे लग रहे हैं कम से कम ये तो बताइए, और अच्छा या जो भी मतलब आपको लग रहा है वो ज़रूर 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 कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए और अच्छे से वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, स्वीट ड्रीम।